नमस्कार, Yalsar.com में आप सभी का स्वागत है। साथ साथ का संख्या 287 287। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मधु शर्मा, जो कि वर्तमान में व्याख्याता हैं श्री भगवान दास तोदी कॉलेज लक्ष्मणगढ़, विभागाध्यक्ष हैं प्राणी शास्त्र जूलॉजी और विज्ञान संकाय की प्रभारी भी हैं। तो साक्षात्कार का समय निकालने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो जैसे कि सामान्यतः शुरुआत करते हैं पारिवारिक परिचय से। जी बताएं, परिवार में कौन कौन है? मेरा नाम डॉक्टर मधु शर्मा है, जैसा कि आपने बताया है। और मेरे परिवार में अगर मैं बात करूं अपने पीहर पक्ष की, तो मेरे पिताजी श्रीमान नंद किशोर जी ढंड, मेरी माताजी श्रीमती चंदा देवी शर्मा जी, और मेरे चार बहनें हैं। हम लोग चार बहनें हैं और तीन मेरे छोटे भाई हैं। जी जी। और नाम? मेरी सबसे बड़ी सिस्टर का नाम है वीणा शर्मा जी। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं हूँ। और दूसरे मेरे से छोटी जो सिस्टर है वो है डॉक्टर मनीषा शर्मा, जो कि इसी महाविद्यालय में भूगोल विभाग में विभागाध्यक्ष है जी जी। और पिछले 12 सालों से यहाँ पे वो कार्यरत है। मुझे यहाँ पे 14 वर्ष हो चुके हैं। और उससे छोटी सिस्टर है दीपिका। हम सभी पोस्ट ग्रेजुएट बीएड सभी हैं। मैं और मेरी छोटी सिस्टर जो डॉक्टर मनीषा है, हम दोनों ने पीएचडी की डिग्री भी ले ली है। और चारों बहनों से छोटे हमारे तीन भाई हैं जी जी, जिसमें से एक सबसे बड़ा जो है वो है मनोज शर्मा, जो कि वर्तमान में विनायक इंटरनेशनल एजुकेशन ग्रुप फतेहपुर दो जांटी बालाजी के सामने जो है उसमें डायरेक्टर के पद पे हैं। जी जी। और उनसे छोटा भाई है वो सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पे अभी नीमच में कार्यरत है। जी। उससे छोटा भाई जो है वो रसायन विज्ञान विभाग में पाली उसकी पोस्टिंग है और जी। वो प्रथम फर्स्ट ग्रेड में रसायन विज्ञान विभाग में लेक्चरर है, व्याख्याता के पद पे वो पाली के पास में उसकी पोस्टिंग है और वहां पे वो कार्यरत है। आपने अपने दादाजी का नाम नहीं बताया? मेरे दादाजी का नाम श्रीमान गौरी शंकर जी ढंड और दादी जी श्रीमती पूर्णा देवी ढंड है। और मेरे जो जीजाजी हैं वो श्री अनिल जी शर्मा, जो कि विनायक इंटरनेशनल स्कूल में डायरेक्टर के पद पे कार्यरत है। मेरे पति श्रीमान अमित कुमार जी शर्मा, जो कि श्री नथमल तोदी बीएड कॉलेज में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं। मेरी छोटी सिस्टर मनीषा के हस्बैंड श्रीमान माधव गोपाल जी शर्मा, वो अपने मोदी इंस्टीट्यूट में एफईटी में लैब कंप्यूटर साइंस में कार्यरत है। जी जी। और उनसे जो छोटे हैं श्रीमान मनोज जी शर्मा, वो अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं और अभी वर्तमान में वो जयपुर में निवास कर रहे हैं। यदि मैं बात करूं अपने ससुराल पक्ष की, तो मेरे पति और उनसे बड़े भाई हैं जिनका नाम श्री विमलेश कुमार जी शर्मा है। और हमारी एक सिस्टर इन लॉ है जिसका नाम श्रीमती प्रेम है, प्रेम देवी शर्मा है। जी जी। और वो पिलानी में कार्यरत है जी। मेरे जो नंदोई जी हैं वो पिलानी में बीपीएस में कार्यरत थे और अभी पिछले साल ही वो वहां से रिटायर हो चुके। सारा परिवार हाई प्रोफाइल है इधर उधर। हाँ जी, कुछ कुछ लगभग ऐसा ही है। सास ससुर का नाम? ससुर जी है मेरे श्रीमान मदन लाल जी शर्मा, जो कि प्रिंसिपल की पोस्ट से रिटायर हुए जी हैं जी। और वर्तमान में अभी मेरे साथ ही हैं। और आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने सास ससुर के और अपने माता पिता के आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा से हूँ। मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरी सासु माँ, वो अभी हमारे साथ नहीं है, उनका देहावसान हो चुका है, श्रीमती सीता देवी। और आज मैं जिस स्थिति में हूँ, अगर मेरी मदर इन लॉ होती तो वो बहुत खुश होती, क्योंकि मुझे उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया है। मेरी मम्मी के बाद में उन्होंने मुझे हमेशा बहुत मोटिवेट किया। जी जी जी। तो हम बढ़ते हैं अपनी शिक्षा की तरफ। जी, तो बताएं अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि। शैक्षणिक पृष्ठभूमि में मेरा जो स्कूलिंग और बीएससी लेवल का जो कॉलेज हुआ है जी जी। वो रामगढ़ शेखावाटी से हुआ है। मैंने अपना सेकेंडरी की जो एजुकेशन है वो सेठ आर एन रुइया गर्ल्स कॉलेज से, उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी जीडी रुइया रामगढ़ शेखावाटी से किया है। मैंने बीएससी अपना आर एन रुइया गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ से किया है। उसके बाद में मैंने जो स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने के लिए चूरू के लुहिया कॉलेज में दाखिला लिया था, जहां से मैंने अपनी स्नातकोत्तर की या एमएससी जूलॉजी की पढ़ाई जो है वो पूर्ण की। उसके बाद में मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं एजुकेशन लाइन में आऊं, लेकिन मेरी बड़ी सिस्टर जो थी वो ऑलरेडी बीएड कर चुकी थी और उनकी प्रेरणा से मैंने बीएड का जो फॉर्म भरा था। मेरी सिस्टर ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया
कि तुझे बीएड करनी चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि मैं इस एजुकेशन लाइन में जाने में इंटरेस्टेड नहीं जी हूँ। जी तो एक बार मेरी सिस्टर इन लॉ फॉर्म लेके आई, मैंने उसको रखा और मैंने उसको नहीं लगाया, अप्लाई नहीं किया। अगली बार फिर मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे लिए फॉर्म लेके आई और उस फॉर्म को मैंने अप्लाई किया। और बड़ों का आशीर्वाद कहूँ या मेरी तकदीर कहूँ, ऊपर लिखना वाले लिखा ही था बनना लिखा लिखा था, तो मैंने बीएड का एग्जाम दिया। हाँ और उत्तीर्ण बीएड हुई। का एग्जाम देने के बाद में मेरा सिलेक्शन उसमें हुआ। जी। और सिलेक्शन होने के बाद में मुझे जो बीएड का प्रशिक्षण संस्थान था वो भी बहुत दूर अलॉट हुआ, उदयपुर सिटी, जिस राणा जी के उदयपुर के नाम से हम जिसको जी। जानते हैं, वहां पर मुझे, जैसा कहते हैं कि नियति जो जहाँ चाहती है वहां हमें लेके जाती है, जो जी। हमारी तकदीर में होता है। मेरी बड़ी दीदी की प्रेरणा स्वरूप मैंने शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि हासिल की और सफलतापूर्वक वो उपाधि हासिल करके मैंने फतेहपुर में एक केडिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल है पोस्ट ऑफिस के पास में, उसमें मैंने अपना कार्यकाल प्रारंभ किया। जी वहाँ 3 वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ करने के बाद में रामगढ़ में जो एक स्कूल है जी सीनियर सेकेंडरी, उस स्कूल में मैंने व्याख्याता के पद पर 1 वर्ष कार्य किया। और उसके पश्चात वर्ष 2004, जुलाई 2004 में मैं यहाँ पर व्याख्याता के पद पे मैंने कार्यभार ग्रहण किया। तब से लेके आज तक मैं यहीं पर हूँ। अब भविष्य के गर्भ में छिपा है कि क्या आगे नियत जो तकदीर है वो मुझे कहाँ लेके जाती है, मेरी तकदीर में क्या लिखा है। लेकिन मेरा ये विश्वास है कि अच्छा मेरे ही सास होगा। ससुर, मेरे माता पिता के आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप, और मेरे बहन भाइयों और मेरे शुभचिंतकों के जो मेरे साथ शुभकामनाएं हैं उनके माध्यम से आज तक मेरे साथ जो अच्छा हुआ है वैसा ही मेरे साथ अच्छा होगा। और मुझे विश्वास है कि मैं उन्नति के पथ पर अग्रसर होती रहूंगी हाँ जी। रहूंगी। अब तीन शब्द फटाफट पूछ लेते हैं। ननिहाल, जी, लक्ष्मणगढ़, गांव, रामगढ़ शेखावाटी, ससुराल, मुकुंदगढ़ के पास में नारसिंगाणी। नारसिंह। ठीक। बचपन के प्रिय गुरुजी या मैडम। बचपन के प्रिय गुरुजी मेरे रहे हुए हैं श्रीमान भवानी शंकर जी शर्मा, जी। श्री अरिंदम जी बासु, महेश जी स्वामी, और वर्तमान में जो मेरे गाइड हैं वो जी जी हैं डॉक्टर केसी सोनी, जो लोहिया कॉलेज में अभी व्याख्याता के पद पर आसीन हैं। और उनके अंडर में ही मैंने अपना पीएचडी का जो कार्य है वो पूर्ण किया है। और सबसे प्रिय गुरु अगर मैं मानूं तो वो मेरी माता जी हैं, मेरी सासू माँ हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा मार्गदर्शन दिया कि मैं हमेशा आगे इस बढ़ती मामले में हूँ। बहुत लकी रही हैं आप जी, ना। मैं जी इस मामले में अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि जी मैंने जो भी पॉजिटिव निर्णय लिया उसमें हमेशा मेरे खड़े रहे हैं साथ में। हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, और मेरे बहन भाइयों का जो, और मेरे परिवार का संबल, और सबसे ज्यादा मैं कहूंगी कि लक्ष्मणगढ़ में आने के बाद में जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं जी उनमें मैं निरंतर अपनी जो सक्रिय भागीदारी निभाती हूँ उसमें मेरे पति श्री अमित कुमार जी का पूर्ण योगदान रहा है। जी उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए वो भी मोटिवेट यही किया है। प्राध्यापक है ना। जी, यही नथमल तोदी बीएड कॉलेज में वो प्राध्यापक के जी। पद पे कार्यरत है। अच्छा, तो प्रिय दोस्त दोस्त तो बहुत होते हैं दोस्त लेकिन तो बहुत होते हैं, लेकिन इस लाइन में अगर मैं कहूँ तो मेरे बहन भाइयों से बड़ा मेरे लिए कोई दोस्त दोस्त नहीं नहीं है। है। हमेशा से हम लोगों के, हम 4 बहनें थी तो जी हमें किसी दोस्त की बाहर ढूंढने की जरूरत ही महसूस जी जी नहीं जी जी हुई। फिर भी दोस्त बहुत सारे हैं, लेकिन एक जिसको क्लोज दोस्त कहा जाए उस कैटेगरी में मैं शायद किसी को नहीं रखना चाहती, तो अपनी बहन और जी भाइयों के अलावा। सीमा मिश्रा है, लोक गायिका है, तो जी उसके आपसे बिल्कुल, घनिष्ठता है। उससे मेरी घनिष्ठता बहुत ज्यादा है और वर्तमान समय में भी वो मेरे नियमित संपर्क में है। संपर्क में है। रोज हमारी व्हाट्सएप पे बातचीत होती है जी। और वो मेरी एक अच्छी दोस्त के रूप में है जिसको मैं रख सकती हूँ। और चूंकि उसको एक दोस्त के रूप में रखना, मैं नहीं, अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ इसमें एक क्योंकि वो चीज एक और भी है नेशनल ना फेम कि है। अमूमन हमारे शाही जो राजस्थानी गाने हैं जी और उनका स्तर जो देखें तो कि जिस जिस क्षेत्र में पैसा आता है वहाँ स्तर सुधरता है। जैसे जी पंजाबी है, तमिल है, फिल्मों का स्तर है। राजस्थान में पैसा थोड़ा कम है तो स्तर गिरा हुआ, पहले भोजपुरी का स्तर गिरा हुआ था, अभी तो जी सुधर रहा है। इसी तरह क्या है कि सीमा मिश्रा ने एक नए मानक तय किए, बिल्कुल, मधुर कर्ण प्रिय जो संगीत है उनका, और सबको मन भावन लगने वाले है ना। जी जबकि बिल्कुल, क्या है कि एक
संगीत बिखरा हुआ सा था, टूटा फूटा था, कभी एक गाना किसी का, कभी एक गाना किसी का आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो वास्तव में काबिले तारीफ है। काबिले तारीफ है, उसने सारे जो गाने हैं उनको एक स्टेज पे लाके रख जी दिया। जी जी और आज हम अगर सीमा मिश्रा के नाम को गूगल पे सर्च करने की कोशिश करते हैं तो उसके साथ ही वो एक इंटरनेशनल फेम के रूप में जानी जाती है। जी तो जी ये मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं उनसे उसकी जुड़े एक हुए हैं। अच्छी दोस्त जी हूँ। जी तो आपके ये जूलॉजी जो है, जी आपने कार्य पर ग्रहण किया, यहाँ अध्यापन करवा रही हैं, कैसा माहौल है, कैसा विद्यार्थियों का सहयोग है और अपेक्षित सहयोग मिला है आपका? निश्चित रूप से मुझे यहाँ पर बहुत स्नेह और सम्मान मिला है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी इस महाविद्यालय के प्रबंधन को और यहाँ पे जो कार्यरत है जिनका मार्गदर्शन हमें निरंतर मिलता रहता है और उनका आशीर्वाद भी हमें निरंतर मिलता रहता है, हमारे सम्माननीय सचिव महोदय। और उसके साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे सभी साथियों को, मेरे कलीग्स को, कि जिनका निरंतर स्नेह, मार्गदर्शन और सहयोग मुझे मिलता रहता है। और उससे भी ज़्यादा धन्यवाद के पात्र मैं मानती हूँ यहाँ के इस अंचल के छात्र छात्राओं जी को, जी जिनका कि मुझे अपार स्नेह और सम्मान मिला जी है। और आज भी जब भी मैं कभी उनसे बात करती हूँ कि बेटा मैं भी शायद हो सकता है भविष्य में मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूं, तो वो बच्चे बहुत इमोशनल हो जाते हैं और मुझे ये कहते हैं कि मैडम आपके जाने के बाद ये कॉलेज कॉलेज सा हमें नहीं लगेगा, बिल्कुल सूनापन हो जाएगा। तो मैं ये मानती हूँ कि मेरे 14 वर्ष यहाँ पे बिताना सफल रहा है जी 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 क्योंकि हाँ, ये स्नेह यही और पूंजी है प्यार, ना। ये मैंने कमाई की है यहाँ जी पे। जी जी जो धन की कमाई है उसको मैं ज़्यादा वो महत्व तो नहीं आर्थिक देती, जगत है। हाँ हाँ आर्थिक जगत है चूंकि उसकी आवश्यकता भी हमें होती है और कमाना भी पड़ता है जी जी अपने परिवार को चलाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। लेकिन इस लक्ष्मणगढ़ परिक्षेत्र में मैंने जो कमाई की है उन छात्र छात्राओं के मुख से निकले हुए वो शब्द, और उनके अभिभावकों के भी मेरे पास जो फोन आते हैं, प्रतीक रहे मैडम हैं आप कहीं छोड़ के मत चले जाना, अगर आप चले जाओगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। ये मेरी सबसे बड़ी पूंजी है चलो अच्छा जो कि मैंने पिछले 14 वर्षों में यहाँ पे कमाई है कमाई है। अर्पित नजीद के। अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेती हैं और मंचन भी करती हैं तो जी, मेरा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। कॉलेज टाइम की अगर मैं बात करूँ तो मुझे अपने कॉलेज टाइम में हरफन मोला का अवार्ड मिला हुआ है। उसके बाद में मैंने आकाशवाणी का जो FM स्टेशन चूरू है वहाँ पे जॉब किया था, और मैं मानती हूँ कि वहाँ पर वाणी के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है, आपकी बोलने की जो कला होती है उसके आधार पे वहाँ आपका कितने सिलेक्शन किया कितने जाता दिनों है। काम किया आपने? मैंने वहाँ पे 6 साल काम किया और उसके बाद में मैंने धीरे धीरे तो करके, वहाँ पे बोलने का काम करती थी कि बैक जी नहीं, में? मैं बोलने का काम करती थी वहाँ पे, कार्यक्रमों का जो भी तो कौन से प्रसारण कार्यक्रम? होता है, युवाणी मैंने किया है, बाल जगत किया है, इसके अलावा महिला जगत मैंने किया है और बहुत सारी वार्ताएं भी मैंने वहाँ पे ऑर्गेनाइज करी है। जी जी उसके बाद में मैंने फतेहपुर के केडिया स्कूल में पहला कार्यक्रम का संचालन किया था जहाँ पर माननीय दीपेंद्र सिंह जी शेखावत जो थे अतिथि के रूप जी में जी विराजमान थे, और सुभाष जी जोशी जो कि अपने फतेहपुर के हैं, क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष भी वो रहे हुए हैं राजस्थान के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मुझे अगर किसी का संचालन पसंद आया है तो या तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के एक माननीय सदस्य का उन्होंने नाम बताया था जो कि मुझे अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा है, और दूसरा संचालन मुझे इसका पसंद आया, तो वो पल जो था मेरे लिए बहुत ही अत्यधिक भावुक था। गौरवान्वित जी जी करने जी जी वाला जी जी था। उसके बाद में मैंने उसी संचालन के आधार पे मैंने फतेहपुर के SDM साहब थे दिनेश जी जांगिड़, उनके द्वारा जो सूर्य मंडल में कार्यक्रम करवाया जाता है, सीकर में भी किया। सीकर में मेरा अभी तक मौका नहीं पड़ा जी जी करने का, लेकिन फतेहपुर में सरकार के द्वारा, SDM महोदय के द्वारा जो कार्यक्रम चला करवाया जाता है 26 जनवरी 15 अगस्त पे, उनका संचालन भी मैंने किया है। जी इसके अलावा महाविद्यालय में मैं निरंतर संचालन का अपना जो एक जिम्मेदारी है उसका जी जी निर्वहन कर रही हूँ। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा मैं हर प्रकार के एक्टिविटी में महाविद्यालय स्तर पे और लक्ष्मणगढ़ तहसील में भी विभिन्न सामाजिक सक्रिय संस्थाओं रहे में हैं। मैं सक्रिय भूमिका निभा रही हूँ, मैंने कई कार्यक्रमों के संचालन भी किए अच्छा, एक हैं। छोटा सा शब्द आपसे पूछता हूँ, आप उसकी सटीक मतलब कि दो चार लाइन में कि क्या हो, कैसा हो जी, संचालन करता? संचालनकर्ता के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि वो जो भी ऑडियंस है उनको बांधे रखे, जी उसकी वाणी में वो ओज होना चाहिए, उसके शब्दों पे पकड़ होनी चाहिए और हर परिस्थिति को
को समन्वित करने का प्रयास उसको करना चाहिए। यदि वो इसमें सफल हो जाता है तो वो एक सफल कुशल संचालक कुशल है, वो संचालन कुशल संचालनकर्ता साबित हो सकता हो है। सकता है। और मैं आपको एक बात और बताना जी जी चाहूंगी कि इस संचालन की बदौलत ही चूरू में कलेक्टर RN अरविंद साहब थे, उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया था। अपना मरु महोत्सव होता है उसके लिए जी जी कुछ पारिवारिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियों की वजह से हालांकि मैं उस कार्यक्रम का संचालन नहीं कर पाई जी जी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद में मुझे सीकर में जिला स्तर पर अपने इस ओजमई संचालन के हाँ बदौलत पुरस्कार ही वगैरह मुझे सम्मानित किया गया। पिछले साल 7 दिसंबर को ये कार्यक्रम किया गया था जिसमें कि मुझे एक महिला शक्ति के रूप में सम्मानित उस मंच से किया गया था, वो भी मेरे लिए गौरवान्वित पल था। तो एक छोटा सा सवाल अंतिम है, अपने छात्र छात्राओं के लिए संदेश। मैं अपने छात्र छात्राओं को हमेशा यही कहना चाहूंगी कि कॉन्फिडेंट बनिए, आत्मविश्वासी बनिए। इस समय में आप अपने आप को हर पल इम्प्रूव कीजिए, इम्प्रूव करने के साथ ही साथ हर दिन अपने आप को प्रेजेंट दबाव से कीजिए, मुक्त रहिए, दबाव बने से मुक्त रहें, और हर तरह का ओवरऑल डेवलपमेंट आपके लिए जरूरी है। केवल शैक्षिक ही नहीं, उसके साथ साथ सारे सर्वांगीण विकास होना। शैक्षणिक जी, गतिविधियों में भी आपका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो, और सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से आगे बढ़ने के लिए अपना सर्वांगीण विकास आत्महत्या करना करने होगा। वाले को वहां भी एंट्री नहीं मिलती। जी बिल्कुल सही बात है। तो बहुत ही सारगर्भित संक्षिप्त और ओजमी वाणी में आपने अपना साक्षात्कार दिया है, तो उम्मीद करूंगा कि आपके विद्यार्थी समझेंगे और आपको अपेक्षित सहयोग यूं ही भविष्य में मिलता रहेगा। और जो सामाजिक संगठनों से आप जुड़ी हैं, जो सामाजिक कार्य करती हैं, उनमें भी लोगों का संबल मिलता रहेगा और तन मन से और लगे रहें। क्यों जी बिल्कुल, मैं अपने छात्र छात्राओं के लिए, अपने साथियों के लिए और लक्ष्मणगढ़ में जो भी मेरे सहयोगी रहे हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा मार्गदर्शन दिया है, मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इस स्तर तक लाने में हमेशा मेरा सहयोग और मार्गदर्शन किया है। और मेरी तरफ से यही उम्मीद रहेगी कि आप जैसे सास ससुर और माता पिता सभी को मिले। क्यों जी बिल्कुल, मैं यही चाहूंगी और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि मुझे अगर भगवान अगला जन्म दे तो मुझे ऐसा ही परिवार। परिवार मिले, ऐसा ही ससुराल मिले और ऐसे ही सास ससुर मुझे जी मिला। साक्षात्कार करने बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।